Starting with this chapter called Derivative Instruments and Derivatives Basics. चलिए लेट्स डिस्कस. बेसिक एग्जांपल वही वाला लेते हैं जो मैं अभी तक के लेते आया था. आइए देखते हैं. लेट अस टेक टू केसेस. As such, this is the start of derivatives industry in this world. Not many people would imagine कि derivative instruments का सबसे पहला use farmers ने किया था. It was the farmers who felt the need, started doing this stuff, and market started picking it. Equity traders, this, that, ये सब लोगों ने बाद में they have taken a leaf out of what these folks do and applied it in their own businesses. Otherwise, use करते थे ये. जरूरत कहां से पड़ती थी एक बार ये चीज समझते हैं. मान लीजिए आप एक फार्मर हैं और आप पोटैटोस की फसल उगाते हैं, ठीक है जी. अब यस आई सेइंग, मान लीजिए आप एक फार्मर हैं और पोटैटोस की फसल उगाते हैं, ठीक है. अब आपके लिए चैलेंज ये है दैट the time when you are putting in the produce, when you are putting in the efforts, and the time when you'll get the results, there's a huge gap in between. ठीक है, और इस gap में pricing change हो सकती है. इस gap में pricing change हो सकती है आपकी produce की. सर क्या बोलना चाह रहे हो? आपने फसल उगाने वाली activity means sowing, irrigation, this, that, सारी की सारी चीजें की, let's say जनवरी में. मैं ना hypothetically बोल रहा हूँ, अभी कोई मेरे से ये मत लड़ना कि इस टाइम पे नहीं किया जाता, उस टाइम पे किया जाता है. आई एम जस्ट पुटिंग इन द टाइम फ्रेम एज पर माय ओन रिक्वायरमेंट. अपनी स्टोरी, अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है. मान लो आप जनवरी में सारी की सारी चीजें करते हो और उसके बाद आपको इसका जो प्रोड्यूस मिलता है वो मिलता है सेप्टेम्बर में. तो देयर इज अ 9 month गैप इन बिटवीन, राइट. नाउ इन दीज 9 months इट इज फंडामेंटल फॉर यू टू मेक श्योर दैट ये प्रोड्यूस पूरी की पूरी ठीक आ जाए. मान लो आपने इस टाइम फ्रेम में पोटैटोज उगाने की, मतलब पोटैटोज उगाने का इंटेंट था, इसमें पूरे के पूरे एफर्ट्स डाले. मान लो अगेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10 रुपए केजी आपकी कॉस्ट प्राइस पड़ी है, ठीक है. मुझे पता है ऐसे नहीं रहते हैं नंबर्स, बट मान लो दिस इज द करेक्ट नंबर. फार्मर्स को इतने मार्जिन भी नहीं मिलते, बट मान लो 5 रुपए पर केजी का मार्जिन है आपका, और मान लो कि ये 15 रुपए पर केजी पे सेलिंग हो गई आपकी, ठीक है ना. मतलब सेलिंग करने का इंटेंट है आपका, इसको लिख लो. दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्सपेक्टेड अगेन. यू वांट टू सेल इट एट दिस नंबर. आप 15 रुपए के भाव पे बेचना चाहते हैं आज से 9 महीने के बाद. अब सुनना पूरी की पूरी स्टोरी लाइन. Let's say you reach September 2023, the actual market rate is let's say 4 rupees per kg. ये market का भाव है. आपने 10 रुपए की प्रोड्यूस की है, बिक रहा है 4 रुपए पर केजी का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये बिक रहा है 10 रुपए पर केजी का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना. 4 से 10 के बीच में कहीं पे भी अगर इसका बाजार भाव सेट है तो यू आर एक्चुअली इनकरिंग लॉसेस. इससे ऊपर भी है तो भी यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉफिट्स दैट यू एक्सपेक्टेड. सर एक बात बताओ, ये भी तो हो सकता है कि इसका बाजार भाव उस समय 25 रुपए पर केजी हो. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर. तो आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा. हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट ये दिस इज वन पॉसिबिलिटी which may or may not occur. Now you are doing a business. This farmer is doing a business. Business में लोगों को expected चीजें पसंद हैं. ये shock नहीं पसंद है. But trust me, surprises पसंद तो हैं. But surprises come, मतलब go hand in hand with the shocks. तो surprise और shocks दोनों ही नहीं पसंद है. सर बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा possible है कि वो 10 रुपए किलो पे बनाए और कल market में 25 रुपए किलो का भाव आ जाए. बट
अगर 25 रुपए किलो के भाव की एक्सपेक्टेशन नहीं है तो ये वन ऑफ केस ही है। मतलब अगर वो फार्मर 40 साल के लिए खेती करेगा तो उसमें से 1 या 2 साल ऐसा हो जाएगा और क्या होगा कि 25 रुपए का भाव आ गया, बाकी तो नहीं होगा। बाकी 38 साल की उसकी जिंदगी में ऐसे उल्टे सीधे रेट्स आते रहेंगे। तो ही शुड नॉट बी इन द गेम ऑफ होप, ही शुड बी इन द गेम ऑफ कैलकुलेशन। सर बात दोबारा बोलो, सुनना एक बार। अगर एक फार्मर ये सोच रहा है दैट मैं 10 रुपए किलो पे प्रोड्यूस करूं और मुझे 15 रुपए किलो पे माल मेरा बिक जाए, तो ही शुड हैव मोर सर्टेनिटी कि 15 रुपए किलो में माल बिक जाएगा। इसके धंधे में चैलेंज क्या है? इसके धंधे में चैलेंज ये है कि ये किसान खर्चा कर रहा है इतने टाइम के लिए, टाइम 0 टू टाइम 9 मंथ्स, इतने टाइम के लिए किसान लगा हुआ है। ही इज डूइंग द एक्सपेंसेस, ही इज डूइंग ऑल द कैश आउटफ्लोज, बट इसका जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है इस दिन पे आ रहे हैं उसके पास डॉलर पैसा। और रेट किस दिन तय हो रहा है? रेट भी इसी दिन तय हो रहा है, रेट भी इसी दिन तय हुआ। मतलब इनफ्लो का रेट इस दिन पे आ रहे हैं कैश इनफ्लोज या डॉलर, ठीक है ना। रेट भी फाइनल किस दिन हो रहा है? रेट फाइनलाइजेशन किस दिन हो रही है बताना, N9 पे या 0 पे? 9 पे, On time 9। अब इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट द फार्मर नीड्स टू डू ही हैज टू डू इन होप दैट थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एट टाइम 9। अब टोनालिटी वो करता हूं जो अभी तक के आपने शायद वीडियोस में देखी होगी। टाइम 0 पे फार्मर जब अपनी प्रोड्यूस लगा रहा है, प्रोड्यूस ऑब्लिक सो कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि टाइम 9 मंथ्स पे जो मेरी सेलिंग प्राइस हो जो मेरी सेलिंग प्राइस हो या फिर जो मेरी एक्सपेक्टेड रिसीवेबल्स हो, वो मुझे आज ही पता चल जाए, हाँ या ना। आई गेट टू नो अबाउट दैट ऑन डे 1 इटसेल्फ। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? ही वुड वॉन्ट दैट मुझे ये पता चल जाए दैट मैं आज 10 रुपए लगा रहा हूँ और मुझे कल जाके इस पे 14 रुपए मिलेंगे। सर आपने तो 15 कहा था। यस ही वुड वॉन्ट 15, बट अगर उसे सर्टेनिटी से 14 रुपीज भी बोल दिए जाए तो ही इज प्रिटी हैप्पी विद इट, प्रोवाइडेड इट इज कंफर्म, इट इज फाइनलाइज्ड। दोबारा सुनना, फार्मर का फियर क्या है? यस, अब मेरे साथ, अब मुझे आप लोगों ने मतलब यू हैव टू रिस्पॉन्ड शार्पली नाउ। व्हाट इज द फियर ऑफ दिस फार्मर? व्हाट इज द फियर ऑफ दिस फार्मर? टेल मी। हिज फियर इज दैट द पोटैटोस प्राइसेस विल इंक्रीज और द प्राइसेस विल डिक्रीज। व्हाट इज हिज फियर? What is his fear? His fear is that the prices will decrease. आप लोग इंक्रीज के लिए आई लिख दिया करो, डिक्रीज के लिए डी लिख दिया करो, ठीक है ना। जिसको लगता है इंक्रीज वो सिर्फ आई लिख दे, जिसको लगता है डिक्रीज वो सिर्फ डी लिख दे। His fear is that the prices will decrease. ये फियर है। अच्छा, एक बार हाइपोथेटिकली ये सोचना, मान लो टाइम 0 पे से टाइम 0 पर फार्मर ने प्रोड्यूस नहीं करना है, फार्मर के वेयर हाउस में पोटैटोस पड़े हुए हैं, लेकिन उसका मन ये है। अच्छा मान लो टाइम 0 पे फार्मर के वेयर हाउस में पोटैटोस पड़े हुए हैं, उसका फियर है दैट प्राइसेस मे डिक्रीज। उसको क्या करना चाहिए बताओ? अगर उसका फियर ये है कि प्राइस गिर जाएगा अगर मैं इसे और होल्ड करूंगा, उसका वेयर हाउस खचाखच भरा हुआ है, ये सारे पोटैटो के मतलब कट्टे पड़े हुए हैं, आलू के कट्टे पड़े हुए हैं, आलू के वो 100-100 किलो के वो पड़े हुए हैं, बैग्स पड़े हुए हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको आज ही बेच देना चाहिए, सेल टुडे, ठीक है ना। गोडाउन खाली कर दो, आज के रेट में बेच दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब फर्क क्या आ रहा है? वो टाइम 0 पे उगा रहा है, उसके पास आएगा ही इस टाइम पे,
उसके पास आएगा ही 8.5 मंथ्स पे आलू, और वो 10-15 दिन में बेच देगा ट्रांसपोर्ट करके। उसके पास तो अभी है ही नहीं आलू। अगर उसके पास आलू होता लाइव अभी, तो वो क्या करता, वो आज ही बेच देता। उसको इससे क्या फायदा होता, सेल टुडे, इससे उसको क्या मिलता, रिसीव प्राइस एज पर मार्केट टुडे इट सेल्फ। हाँ या ना। अब प्रॉब्लम क्या, उसके पास आज आलू है ही नहीं बेचने के लिए। अब उसे क्या करना चाहिए बताना, वो क्या करेगा, टाइम जीरो पर, उसे पता है मेरे पास टाइम 8.8, 8.99 पे आलू आने वाले हैं हाथ में। व्हाट विल ही डू, ही विल डू समथिंग ऑन दीज लाइंस जो मैं आप बता रहा हूँ। ही विल से दैट हिज फियर इज दैट द प्राइजेस मे फॉल। ही विल एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। भी बोलने की बात है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट आई शुड हैव प्रॉबली नॉट इवन यूज द वर्ड। देखना, व्हाट ही विल डू इज ही विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द फार्मर और साथ में मान लो रिलायंस रिटेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक जगह पे फार्मर साइन मार देगा और एक जगह पे रिलायंस रिटेल की तरफ से अंबानी साहब साइन मार देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या होगा, इसकी बॉडी इसमें लिखा क्या होगा, इसमें ये लिखा होगा कि फार्मर ये प्रॉमिस करता है कि वो एट टाइम इज इक्वल टू 9 मंथ्स रिलायंस रिटेल को, सॉरी रिलायंस रिटेल क्या लिख रहा हूँ, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश को 9 महीने के बाद क्या करेगा, 100 किलो आलू सप्लाई करेगा। ठीक है, 100 किलो पोटैटो सप्लाई करेगा, किस रेट पे सप्लाई करेगा, एट ₹14 पर kg। और रिलायंस रिटेल उस समय, आज से 9 महीने के बाद, रिलायंस फ्रेश जो है उस समय फार्मर को ₹14 पर kg के हिसाब से पेमेंट कर देगा, टोटल पेमेंट ऑफ ₹1400। ठीक है जी, हाँ या ना। आज की डेट पे क्या हो रहा है, आज की डेट पे दो पार्टीज सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फार्मर कह रहा है माल बेचूंगा, रिलायंस फ्रेश कह रहा है माल खरीदूंगा, दैट्स इट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द सॉल्यूशन। सर इससे क्या होगा, अब देखना, आज से 9 महीने के बाद हम 9 मंथ पे पहुंच गए, मार्केट रेट इस केस वन ₹14 पर kg। इस केस में मुझे बताना, फार्मर को रिलायंस फ्रेश से कितने पैसे मिलेंगे केस वन में, ₹14 पर kg, हाँ या ना। केस टू, ये केस वन था ₹14 पर kg, यहां लिखता हूं केस वन, मार्केट प्राइसेस ₹14 पर kg। केस नंबर टू, मार्केट प्राइस हो जाता है लेट से ₹6 पर kg। अब बताना फार्मर को रिलायंस फ्रेश से कितने पैसे मिलेंगे, ₹6 पर kg, हाँ या ना, क्योंकि मार्केट का रेट ₹6 पर kg है, तो फार्मर विल गेट ₹6 पर kg, यस और नो, यस और नो। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे स्टूडेंट्स ठीक कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सर, ₹14 पर kg का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये रेट तो ₹14 पर kg ही रहेगा, दिस रेट विल नॉट चेंज टू एनी अदर नंबर, इट विल रिमेन ₹14 पर kg। केस थ्री, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹2 पर kg, इसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा ₹14 पर kg।
मार्केट प्राइस हो गया 25 रुपए पर केजी। अब बताओ क्या होगा, अब कितने पैसे मिलने वाले हैं? अब कितने पैसे मिलने वाले हैं? अभी भी 14 रुपए पर केजी ही मिलेंगे, अभी भी 14 रुपए पर केजी मिलेंगे। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस इज इररिलेवेंट। इट इज इररिलेवेंट नाउ। व्हाट इज रिलेवेंट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 14 रुपए पर केजी पे सप्लाई होगी, तो सारी की सारी सप्लाई 14 रुपए पर केजी पे ही होगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट और नॉट? तो इसमें एडवांटेज क्या हुआ टू फार्मर? नो अनसर्टेनिटी, मतलब नो रिस्क। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है? इसका काम है कि ये रिस्क को मैनेज करता है। इट इज मैनेजिंग द रिस्क। हाउ इज इट मैनेजिंग द रिस्क? बाय शिफ्टिंग इट। ये रिस्क को खत्म नहीं कर सकता, ये एक बंदे के रिस्क को दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है। दिस इज व्हाट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डू। सर यहाँ पे कौन से रिस्क ट्रांसफर हुई है? यहाँ पे हुआ क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रिस्क ट्रांसफर, शिफ्टिंग, फलान ढिमकान, पता नहीं क्या क्या हुआ है। सोच के देखो, रिलायंस फ्रेश को कल किस रेट में सब्जी मिलेगी? व्हाट विल, मतलब द प्राइस वेरिएबिलिटी, प्राइस वेरिएबिलिटी वॉज अ फैक्ट, वॉज एन इशू फॉर फार्मर, इट वॉज द रिस्क फॉर द फार्मर। नाउ वॉट ही हैज डन इज ही हैज पास्ड ऑन दिस टू रिलायंस फ्रेश। इसका क्या मतलब है? अगर कल रेट गिर भी जाए तो भी रिलायंस फ्रेश को सेम भाव पे सब्जी खरीदनी पड़ेगी, सेम भाव पे पोटैटोस खरीदने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम है रिलायंस फ्रेश के लिए। लेकिन देखना, एक्चुअल में देखोगे तो वो रिस्क रिलायंस फ्रेश पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन रिलायंस फ्रेश भी खुश है। क्यों? रिलायंस फ्रेश इज थिंकिंग ऑन जस्ट वन लाइन, इज थिंकिंग बॉस मुझे ये रिस्क नहीं है कि कल मुझे 14 रुपए में सब्जी मिलेगी या 6 में मिलेगी या 2 में मिलेगी या 25 में मिलेगी। इवन दो मुझे ये सारे के सारे केसेस जब प्राइस कम हो जाएगा उसमें लॉस हो रहा है, बट आई ऑल्सो हैव एन एडवांटेज कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो भी मुझे सेम भाव पे ही सब्जी मिलेगी। तो वो क्या बोलेगा? वॉट रिलायंस फ्रेश नीड्स इज, रिलायंस फ्रेश का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दे वॉन्ट विजिबिलिटी। क्या विजिबिलिटी? इसे एक बार पता चल गया कि सितंबर महीने में जो आलू आएंगे वो 14 रुपए के रेट पे आएंगे, ठीक है। अक्टूबर के महीने में जो आलू आएंगे वो लेट से 16 रुपए के रेट पे आएंगे। नवंबर महीने में जो आलू आएंगे वो 15 रुपए के रेट पे आएंगे। सर ये कैसे हुआ? जनवरी वाला जो सप्लाई था, जो प्रोड्यूस थी, वो सितंबर में बिकी। फेब में जब जो फसल लगाई होगी वो अक्टूबर में ले ली होगी इन्होंने, जो मार्च में लगाई होगी वो नवंबर में ले ली होगी। तो ये रेट इनको पहले से ही पता चल जा रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये चुपचाप से अपना 40% का मार्जिन जोड़ देंगे इस पर, 14 का 40% 5.6, तो ये बोलेंगे 19.6 रुपीज में हम बेच देंगे। सब पे 40-40% जोड़ के बिक जाएगा 22.4, 15 और 6 21। इन्होंने अपना सेलिंग प्राइस बड़े इजीली निकाल लिया। इनको कितना फायदा हो रहा है? इनको फायदा हो रहा है 40%। सिंपल सर, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस फ्रेश के साथ हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैकडीज के साथ भी हो सकता था, है ना। मैकडीज का एक बार जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था। मान लो मैकडीज को अपने बर्गर की कॉस्टिंग निकालनी है। अब मैकडीज इज थिंकिंग कि यार 10 रुपए का मेरा पोटैटो लगता है, फ्लोर या फिर
व्हाट डू यू कॉल, आटे की जो कॉस्ट आती है, ईस्ट, ये वो, फर्मेंटेशन, ये सारे की कॉस्ट मिला के लेट से और 10 रुपए आ जाती है, 5 रुपए अदर कॉस्ट आती है, 25 रुपए का बनता है, 25 रुपए पे 40% का मार्जिन जोड़ते हैं, 35 रुपए की सेलिंग प्राइस है एक मैक आलू टिक्की बर्गर की, ठीक है। अब अगर ये 10 रुपए जो है ये डेली हिलता रहे तो इनके लिए प्रॉब्लम है, तो फिर इनका डेली का डेली के बर्गर की कॉस्ट चेंज होती रहेगी। तो व्हाट दे डू इज दे एंटर अगेन, जैसे रिलायंस फ्रेश ने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू बाय आफ्टर 9 मंथ्स, उसी तरीके से मैकडीज भी बाय कर सकता था, यही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता था फार्मर्स के साथ। नाउ फार्मर के स्टैंड पॉइंट से उसने रिस्क ट्रांसफर कर दिए किसको, रिलायंस फ्रेश को या मैकडीज को? रिलायंस फ्रेश या मैकडीज के पॉइंट स्टैंड पॉइंट से क्या हुआ है, इवन दो मार्केट में प्राइस नीचे होने के बावजूद उन्हें महंगा मिलेगा, लेकिन दे आर नाउ एंजॉइंग वन थिंग, दे आर एंजॉइंग विजिबिलिटी, दे आर एंजॉइंग सर्टेनिटी। और इनफैक्ट अगर आप सोचोगे ना तो यही सर्टेनिटी फार्मर को भी आ जा रही थी। तो प्रैक्टिकली व्हाट दे हैव डन इज दे आर सेइंग, बॉस अगर मेरे पास आज आलू होते तो मैं आज बेच देता, आज नहीं है तो कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कल बेचने के, प्राइस आज तय कर लेते हैं, सो दैट जो प्राइस के वेरिएबिलिटी के रिस्क है तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर वो दोनों को ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स और दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डन। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कुछ नहीं है, दिस इटसेल्फ इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नाम से जानते हैं, वो और कुछ नहीं है, इट इज दिस पीस ओनली, या फिर इसे अभी के लिए लूजली स्पीकिंग आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जैक्ट यही चीज है और कुछ भी नहीं है। एक बार इसमें देख लेते हैं, इसमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, एक है एफ प्लस, एक है एफ माइनस, ये है लॉन्ग पार्टी, ये है शॉर्ट पार्टी। इनफैक्ट रुको, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एफ प्लस, मेरे एग्जाम्पल में एफ प्लस कौन था, मेरे एग्जाम्पल में एफ प्लस कौन था बताओ, रिलायंस फ्रेश या फार्मर, कौन था एफ प्लस? मेरे एग्जाम्पल में फ्यूचर्स लॉन्ग फार्मर था या रिलायंस फ्रेश था? एफ प्लस पूछ रहा हूं, एफ प्लस कौन था? एक बार एफ माइनस और एफ प्लस ये दोनों की नोटेशन लिख लेते हैं। एफ माइनस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टुमारो, एफ प्लस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय टुमारो, कॉन्ट्रैक्ट लिखिए या एग्रीमेंट लिखिए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एफ प्लस को क्या बोलूंगा, शॉर्ट फ्यूचर्स या शॉर्ट फॉरवर्ड, एफ प्लस को क्या बोलूंगा, लॉन्ग फॉरवर्ड, ठीक है। मुझे ये बताओ प्राइस कब एग्री हो रहा है, टुडे या फ्यूचर? प्राइस इज एग्री टुडे और इन फ्यूचर, टुडे लगता है तो टी लिखिए, फ्यूचर लगता है तो एफ लिखिए। सेम चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल है, प्राइस इसका आज एग्री हो गया, कैश आउटफ्ले, कैश आउटफ्लो ऑब्लिक इन ऑब्लिक आउटफ्लो, ये आज हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, टुडे या फ्यूचर? ये हो रहा है फ्यूचर में, ठीक है। मुझे बताना इसकी बेट क्या थी। अच्छा ये कौन बंदा था हमारे एग्जाम्पल में, एक बार ये ऊपर ऊपर ही लिख लेते हैं, ये बताओ ये कौन था, एफ माइनस कौन है, रिलायंस फ्रेश या फार्मर, रिलायंस फ्रेश या फार्मर?
ये है फार्मर, सारे के सारे भी थोड़ी देर पहले उल्टा सीधा आंसर दे रहे थे। ये है रिलायंस फ्रेश या मैकडीज। ठीक है जी, इसकी बेट क्या है या इसका फियर क्या है? अभी के लिए फियर बोल देता हूँ। इसका फियर क्या है? प्राइजेस विल गो डाउन या प्राइजेस विल गो अप? डाउन लगता है तो डी लिखो, अप लगता है तो यू लिखो। अच्छा, वाई इज दिस गाय एंटरिंग इन टू द प्राइजेस रिलायंस फ्रेश? इसका क्या फियर है, प्राइस विल गो डाउन या प्राइस विल गो अप? हिज फियर इज दैट द प्राइस विल गो अप। सर ये क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मान लो अंबानी साहब के पास ऐसा कुछ जादू है, कोई ऐसा क्रिस्टल बॉल है, कोई ऐसा तोता है जो फ्यूचर बता देता है, और वो उनको तय बता रहा है कि बॉस कल तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सॉरी, उनको वो क्रिस्टल बॉल या वो तोता या जो भी वो है, उनको ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में प्राइजेस गिरेंगे ही गिरेंगे। ही इज 100% श्योर दैट आज आलू का रेट है 10 रुपए, आज से 9 महीने बाद जब खरीदने जाऊंगा 2 रुपए किलो मिलेगा। तो आपको क्या लगता है क्या कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे कि हाँ मैं तुझसे 12 रुपए में खरीदता हूँ? क्या लगता है, विल ही एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? लगता है हाँ एंटर करेंगे तो लिखो येस, लगता है नहीं एंटर नहीं करेंगे तो लिखो नो। येस और नो? नो, ही विल नॉट एंटर ऑब्वियसली। बोलेंगे नहीं यार, कल मंडी में जाके खरीद लेंगे हम, है ना, हम कल मंडी से डायरेक्टली परचेज कर लेंगे 2 रुपए का, तेरे से 12 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट काहे करें हम। बट ऐसी कोई गारंटी, ऐसा कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाला पावर किसी के पास नहीं है। तो व्हाट ही विल आल्सो वांट टू डू इज ही विल वांट टू एंड द अनसर्टेनिटी टुडे, एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट टुडे, बिकॉज हिज फियर इज दैट द प्राइसेस माइट इंक्रीज, एंड इफ द प्राइसेस डू इंक्रीज ही वुड नॉट वांट टू बी इन अ स्पॉट ऑफ बदर। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आपके प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, होने का डर है, तो आप, अगर आपके प्राइस डिक्रीज होने का डर है आपको, तो आप आइडियली क्या करना चाहोगे, सेल टुडे। लेकिन आप आज आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, या फिर किसी रीजन से आप आज बेचना नहीं चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, सेल फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि इस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो आप जहां रहते हो आपको लगता है इस जगह पे प्राइसेस लैंड के बहुत इंक्रीज होने वाले हैं, आप क्या करोगे, अभी खरीद लो फटाफट। मिंत्रा पे सेल लगी, वो हर चीज आपको 80-80% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ब्रांडेड आइटम्स, लुई विटॉन, दिस दैट फलान ढिमकान, जो आजकल के अमीर बच्चों को पसंद है, ठीक है ना, अरमानी जीन्स एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट। देयर इज अ फ्लैश सेल, एक दिन रहेगी, आधे घंटे रहेगी, 1 घंटे रहेगी, कल से नहीं रहेगी। सुबह 6 बजे सेल लगने वाली है, बैठ के सुबह 6 बजे ऑर्डर कर दोगे आप? क्या बोलना चाह रहे हो, इफ योर फियर इज दैट द प्राइसेस माइट इंक्रीज, जस्ट बाय टूडे। इन दिस केस यू कैनॉट बाई टूडे, तो वॉट आर यू डूइंग, यू आर बाइंग इट इन फॉरवर्ड्स, यू आर बाइंग फॉरवर्ड, राइट? करेक्ट। ये होता है कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। अभी तक के किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ, आई एम हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स, आंसर ऑन योर क्वेरीज। ये आगे मूव करते हैं, अभी तक के तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा था, लेट अस मूव अहेड। ये एक बार क्लास में क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे स्टूडेंट्स, ने कहा कि सर आपने यहाँ पे लिख रखा था सेल टुडे और यहाँ पे बाय टुडे लिखा नहीं था। मैंने कहा वो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल टुडे हो रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेल टुडे तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से सेल फ्यूचर्स, और यहाँ पे बाय टुडे तो कर नहीं सकते तो बाय फ्यूचर्स, ये है गेम, ठीक है ना। और सेल करना और शॉर्ट करना मीन्स वन एंड द सेम थिंग, इनमें कोई फर्क नहीं है, सेलिंग इज इक्वल टू शॉर्टिंग, कोई फर्क नहीं है, बाइंग इज इक्वल टू गोइंग लॉन्ग, कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल इन दिस, ठीक है ना। सेल और शॉर्ट एक ही बात होती है, बाय और लॉन्ग एक ही बात होती है, नो डिफरेंस। मतलब फाइनेंस की भाषा में लॉन्ग का मतलब बाय करना है और शॉर्ट का मतलब सेल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। व्हेन यू आर गोइंग शॉर्ट, उसे अगर मैं मैथमेटिकल टर्म से दिखाऊं तो इट इज बीइंग शोन एज माइनस,
और व्हेन यू आर गोइंग लॉन्ग, अगर मैं इसे मैथमेटिकल टर्म से दिखाऊं तो इट इज बीइंग शोन एज प्लस, दैट्स इट। इतना ही है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर्स या फिर फॉरवर्ड्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ। अभी फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में क्या डिफरेंस है वो नहीं बताया मैंने, वो कर लेंगे, उसकी चिंता ना करें। एक बार आइए इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं अब आगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये वीडियो यहीं पर ही एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसकी प्राइसिंग।